winter in Luxembourg. It's very cold. Hello my beautiful people, welcome back to the escape plans. So Christmas is around the corner and almost all the European countries are decorated and we are going to cover one of them. So Christmas market is quite popular in all the European countries. Luxembourg also has the Christmas market and we'll try to cover as much as we can. And today we are going to cover the Metz, which is in France, and we're going to explore their क्रिसमस मार्केट. सो फाइनली वी हैव रीच्ड ट्रेन स्टेशन. जो यहाँ से मेट्स की जर्नी है वो कुछ एक घंटे की है. हमारी जो ट्रेन है वो 10 बजे की है. हम पहुँचेंगे वहाँ 11 बजे और वहाँ से जब हम वापस आएंगे वो रात के 9 बजे आएंगे. मतलब कि ये होगी हमारी डे ट्रिप. मेट्स में बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए जो कि हम आपसे शेयर करेंगे. जो टिकट हमने बुक की है ट्रेन की वो हमने बुक की है ओमियो ऐप से और उसका जो लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे. तो बहुत ही मज़ा आएगा और चलिए शुरू करते हैं अपनी जर्नी मेट्स के लिए. फाइनली वी हैव बोर्डेड आर ट्रेन. दिस टाइम इट वॉज लिटिल डिफरेंट. लास्ट टाइम व्हेन वी बुक्ड आर टिकट वी ट्रेवल्ड थ्रू CFL एंड आर टिकट वॉज ईमेल्ड अस. बट दिस टाइम वी गॉट द ईमेल बट नॉट द टिकट. इंस्टेड ऑफ दैट दे हैड मेंशन्ड अ नोट इन द ईमेल दैट यू नीड टू प्रिंट द टिकट एट द स्टेशन. देयर वॉज दिस येलो मशीन फ्रॉम वेयर वी हैड टू प्रिंट दिस टिकट. So this is almost like a boarding pass. You just have to put your booking reference number, your last name, and the machine will print the ticket. So we wanted to share this information because you should not get confused. Sometimes you might get the ticket in your email or sometimes you might get an email saying that you need to print your ticket at the train station. This was the information. Let's start our journey to Metz. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं मेट्स. क्रिसमस मार्केट जो है वो तो शाम को लगेगा, तो अभी हम करेंगे यहाँ पर थोड़ा सा शॉपिंग मॉल को एक्सप्लोर. लग्जमबर्ग से काफी लोग आते हैं मेट्स शॉपिंग के लिए, ये काफी फेमस है. तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है और प्राइस में एक्चुअली कितना डिफरेंस है. लेट्स गो. एंड फर्स्ट स्टॉप एज यूजुअल है ज़ारा. पता नहीं क्यों हम जहाँ भी शॉपिंग ले आते हैं ज़ारा ऑलवेज गेट्स द अटेंशन. तो चलिए शुरू करते हैं ज़ारा से. So I have exactly same jacket and I got it from Zara only. Rate exactly same hai. Isme to koi difference nahi hai. Let's explore more. Another one at the same price. So as such, abhi tak Zara mein to koi difference nahi dikha. Abhi New York ka explore kiya hai humne. Ab definitely collection to kafi zyada hai inke paas as compared to Luxembourg. Price wise bhi difference hai but bahut zyada nahi hai. To agar aapko bulk mein shopping karne hai to definitely Metz aa sakte hain. Christmas time bhi hai, sale bhi chal rahi hai, collection bhi hai, Luxembourg se paas mein bhi hai. Ek ghante mein hum pahunch gaye the. Pura din ka time hai hamare paas. Agar hum shopping chahe shopping kar sakte hain. Christmas market to hum explore karenge hi. So definitely we recommend you to visit Metz at least once. Because of Christmas काफी डेकोरेटेड है ये और फुटफॉल भी काफी है. लोगों का वीकेंड है, लोग आए हुए हैं यहाँ घूमने के लिए. और इसी के साथ अब हम चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए फुट लॉकर. इट इज सेम ओनली बट एटलीस्ट कलेक्शन है. एडिडास इन 59 यूरोज 60 यूरोज एक्चुअली. तो फाइनली हम पहुंच गए हैं प्राइमार्क. प्राइमार्क में भी हम जाकर के एक्सप्लोर करने वाले हैं. हमने काफी सुना है यहाँ के प्राइमार्क के बारे में कि यहाँ पे जो भी चीजें वो काफी रीजनेबल अमाउंट में मिलती हैं. सो लेट्स सी एग्जैक्टली कितने में और क्या क्या चीजें वहाँ पे अवेलेबल है. देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है बट अब एक्सप्लोर करेंगे और फिर आपको बताएंगे एग्जैक्टली कितना एक्सपेंसिव है या कितना रीजनेबल प्राइस में आपको चीजें मिलेंगी यहाँ पर. सो आई बॉट दिस फ्रॉम ज़ारा एंड बट ऑलमोस्ट सेम जैकेट है जो आप खरीद सकते हो और जो प्राइस है इसका वो 38 यूरो है. एंड जो ये थी वो थी 80 यूरो की. सो 50 यूरो का ऑलमोस्ट फर्क है बट एक्चुअली अगर आप लेना चाहो तो दिस इज नॉट अ बैड डील. हमने अभी कुछ चीज़ें परचेज की थी लग्जमबर्ग में होम डेकर की मैशन से एंड दैट वॉज क्वाइट एक्सपेंसिव. यहाँ पे एवरी थिंग इज सुपर चीप. दिस इज जस्ट इन 90 सेंट्स. बुद्धा ये इंडिया में भी कभी मुझे 2 यूरो का नहीं मिला. फाइनली
थक चुकी हूँ मैं और मैं बैठ गई हूँ अभी. चीजें हैं सस्ती यहाँ पर एज कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स. तो एक ये जो स्टॉल है वो मैं ले रही हूँ, फाइनली आई एम कन्विंस्ड. ये मिल रहा है मुझे 9 यूरोज में, जो कि एज कम्पेयर टू एनी अदर शॉप काफी रीजनेबल अमाउंट में है. ये ब्यूटी ब्लेंडर सिर्फ 2 यूरोज में है. कई चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बहुत महंगी खरीदने की जरूरत नहीं है, तो वो सब चीजें रीजनेबल अमाउंट में यहाँ पे अवेलेबल है, स्टॉक भी है. एंड एज कम्पेयर टू इवन न्यूयॉर्कर जो है वो लग्जमबर्ग में है, तो न्यूयॉर्कर का भी जो प्राइस है उससे भी कहीं ना कहीं ये चीपर है एज कम्पेयर टू न्यूयॉर्कर. 1 यूरो 2 यूरो 4 यूरो 5 यूरो में कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा. तो प्राइमार्क आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हो. अब अगर आप ब्रांड फ्रीक हो तो शायद वो यहाँ नहीं है, तो स्टॉक भी है और रीजनेबल अमाउंट में चीजें भी अवेलेबल है. तो एक बार विजिट करो आप, अगर आपको पसंद आता है तो आई एम वेरी श्योर आप यहाँ से काफी कुछ शॉप कर सकते हो. It's quite big shopping mall. It has almost all the brands like Hema, Sephora, Mango, Only, Zara, Timberland, and also it has lots of restaurants, so you will get a lot of food options. And of course, it is near to the Metz-Ville railway station. So finally we are done with our shopping part. But हम recommend करेंगे कि अगर आपको सिर्फ shopping के लिए आना है तो 2 ways 16 euros दोगे आप, उससे better है कि आप Metz को explore करने आओ. और ये तो उसमें एक plus हो गई जो कि आप shopping कर सकते हो. Station के पास भी है, just 4 minutes walking distance है station से. तो shopping का part तो हो गया हमारा, अब चलते हैं explore करते हैं Metz को. So finally we have reached The Christmas Market of Metz. शाम के कुछ 6 बज रहे हैं and it is really really cold. तो Metz में एक दिन तो आराम से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा. And this is really, really beautiful. So finally, हम लोग Metz का जो Christmas है वो enjoy कर रहे हैं, मजा आ रहा है. Food stall तो है ही, but उसके अलावा जो decoration है वो थोड़ा different है Luxembourg से. But ये जगह बिल्कुल Luxembourg जैसी लग रही है. Exactly जैसा हमारा Hemelius दिखता है वैसा लग रहा है ये. और अब चलते हैं, थोड़ा cover करते हैं आगे तक, और अब आए हैं तो थोड़ा explore करते हैं Metz को भी. डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे जाकर डिफरेंट डिफरेंट क्रिसमस मार्केट कवर कर रहे हैं हम. तो जब आपको प्लान करना होगा अपना क्रिसमस वेकेशन तो आप डेफिनेटली ईजली प्लान कर पाओगे. और एक और बहुत ही फेमस जगह है क्रिसमस के लिए, वो भी हम कवर करेंगे. मैच वैसे थोड़ा छोटा है, इसलिए अगर आप यहाँ पर आओगे तो हो सकता है कि ड्यूरिंग क्रिसमस आपको ट्रैफिक मिले, जैसे कि हमें ट्रैफिक मिला. ऑलमोस्ट हमें हाफ एन आवर लग गए यहाँ क्रिसमस मार्केट तक पहुँचने में फ्रॉम द मॉल. तो थोड़ा छोटा है मैच, बट यहाँ की क्रिसमस मार्केट भी काफ़ी फेमस है. सो हर मार्केट ऑलमोस्ट सेम ही होता है क्रिसमस मार्केट. इट जस्ट दैट जैसे आप देख रहे हो हर एक लाइन से सारे फूड स्टॉल होते हैं दोनों तरफ, और बीच में लोग एंजॉय कर रहे होते हैं फूड एंड ऑल, एंड डेकोरेशन तो होती है. तो चलिए अब कवर करते हैं नेक्स्ट स्पॉट. तो हम लोग शूट नहीं कर पाएंगे पर आपको मार्केट दिखा देंगे. खाने पीने के भी काफी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटीज हैं. ज्यादा हम शूट तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि बहुत भीड़ है, बट आपको हम दिखाते हैं एग्जैक्टली ऑप्शंस बहुत है खाने पीने के लिए. दीज आर ड्राई फ्रूट्स, लॉट्स ऑफ फ्रूट्स दे हैव.
ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इसको आप क्रिसमस पे ही आकर के कवर करो, आप इसको वैसे भी जनरल विजिट के लिए भी आ सकते हो। ये वैसे भी बहुत सुंदर लगता है, अभी डेकोरेटेड है और लाइटिंग ऑफ कोर्स विंटर लाइट्स है तो ज़्यादा सुंदर लग रहा है, पर आप ये नॉर्मल भी आके घूम सकते हो। Actually really beautiful, different kind of cheese. So यहाँ पर ओपन मार्केट है और साइड में सारे रेस्टोरेंट्स हैं, तो अगर आपको बाई चांस कुछ नहीं मिलता है ओपन मार्केट में तो आप रेस्टोरेंट्स में बैठ के भी अपना फूड ड्रिंक्स एंजॉय कर सकते हो। So finally our trip is over. Now we are going back to home. Metz actually mein it was a nice trip. Bahut kuch hai aas paas explore karne ke liye. Shopping to definitely ek option hai. Reasonable price mein bahut sari shops hai jahan se aap shop kar sakte ho. So it was a nice experience. Christmas tha to isliye aur bhi chahal pahal thi. Kafi sare log the jo explore kar rahe the market ko. So it was a nice trip. Ab chalte hain wapas aur milte hain aapse Luxembourg mein. Hope you like the video. Thank you for watching. Namaste.